है hey गायर आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रेकरी में आज जो हम लोग बात करने वाले हैं एलआरबी आर दैट इज़ लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग ऑफ जे 2021 जो कि आप लोग का होने वाला है मई में तो उसका आप लोग का एम सी उसका सेशन चल रहा है तो ये आप लोग का सेशन नंबर थ्री है तो इससे पहले भी दो सेशन हो चुके हैं उसको जरूर देख लीजिएगा छोटे छोटे क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन हैं लेकिन छोड़ना नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं इन ए गवर्नमेंट कंपनी द गवर्नमेंट होल्ड एटलीस्ट हाउ मच परसेंट ये क्वेश्चन तो आपका रिपीटेड है तो तब भी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फिफ्टी वन परसेंट आपका होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेम्बर्स इन्हें पब्लिक कंपनी कितने हो सकते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा एनी नंबर फिर बैंकिंग ओम्समेंट स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन विच डेट तो आंसर हो जाएगा आप लोग का फोर्टी ऑफ जून नाइनटीन अगला द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी मस्ट बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार विद इन हाउ मच डेज हाउ मेनी डेज ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्टी डेज अगला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैन इम्पोज ए पेनल्टी ऑफ सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ हाउ मच रुपीज़ तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ अगला है इन विच ये बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट वॉज इनैक्टेड तो आंसर हो जाएगा आप लोग का एटीन नाइन्टी वन नेक्स्ट है आप लोग का इन विच ईयर द तिवारी कमेटी रिकमेंडेड टू एस्टिब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर बैंक्स ड्यूज रिकवरी तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का नाइनटीन एटी वन अगला है वेन वॉज द नेशनल कमीशन वॉज सेटअप इन द सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसका आंसर हो जाएगा नाइनटीन एटी एट अगला है इन विच ईयर द रिकवरी ऑफ डेप्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइनटीन नाइन्टी थ्री अगला है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन अ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू एंड सेवन का आंसर हो जाएगा टू एंड सेवन अगला है आपका मीडियम टर्म लोन्स आर नॉर्मली रिपेबल विद इन हाउ मच ईयर्स तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा टू टू सेवन ईयर्स अगला इम्प्लेसमेंट ऑफ़ फॉर मनी लॉन्ड्रिंग कैन बी ऑफ हाउ मनी ईयर्स तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा थ्री टू सेवन ईयर्स Uh, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड इन विच द कंप्लेंट कैन बी फील्ड विद इन एनी ऑफ द फॉर्म्स तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का थ्री मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन ओके अगले देर आर डैश पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी देर आर टू पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी तो दो आंसर क्या हो जाएगा टू पार्टीज अगला हम लोग आ जाते हैं सरफेसी एक्ट हाँ सरफेसी एक्ट टू थाउजेंड टू वॉज मेड इफेक्टिव ऑन वॉट डेट तो आप लोग आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून टू थाउजेंड टू ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून टू थाउजेंड टू को सर्फेसी एक्ट टू थाउजेंडें टू एनेक्टेड हुआ है अगला आप लोग का विच ऑफ़ द फॉलोइंग डेट्स द आर डी आर टी एक्ट नाइनटीन नाइनटी थ्री वॉज इम्प्लीमेंटेड तो डी आर टी एक्ट कब आया आप लोग का ट्वेंटी ऑफ ऑगस्ट दैट इज ट्वेंटी सेवन जीरो एट थ्री अगला है लोन्स टू द फार्मर्स अप given against the pledge hypothecation of the agriculture produce including warehouse receipt for a period not exceeding dash months to मंथ individual farmers will be treated as the farm credit advance so, this answer can to 50, 000, 000 तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्टी लैक्स तक का दे सकते हैं ट्वेल्व मंथ्स तक का मैक्सिमम मतलब, ठीक थे। है मतलब ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस नेक्स्ट आप लोग कहा है आफ्टर मॉडिया केमिकल की अमेन्डमेंट मेड इन सरफेजी एक्ट स्टिपलेट्स डिपॉजिट ऑफ हाउ मच अमाउंट हाउ मच परसेंट अमाउंट बिफोर फॉर प्रीफरिंग प्रीफरिंग एप्लीकेशन टू डी आर टी तो आपको कम से कम पचास परसेंट फिफ्टी परसेंट ऑफ डिपॉजिट आपको का इसका प्रावधान है अगला है आपका एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन है बैंक विल बी रिप्वाय टू मिनिमम मेटेन मिनिमम एस एल आर ऑफ़ हाउ मच परसेंट ऑफ़ एन डी टी एल एन डी टी एल नेट डिमांड टाइम लेवल होता है ठीक है एस एल आर का कितना मिनिमम होना चाहिए कोई मिनिमम का ऐसा कुछ है नहीं मिनिमम आपका आर बी आई डिसाइड करता है कि कितना होना है ठीक है तो ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट आंसर अगला एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वॉट कैन बी द मैक्सिमम रेट ऑफ एस एल आर एस एल आर का मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है फोर्टी परसेंट हो सकता है ये फिक्स है आपका अगला इन हाउ मेनी डेज ए बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू कम्प्लाई विद द कोर्ट कोर्ट ऑर्डर्स अंडर बैंकर बैंक एविडेंस एक्ट इन हाउ मेनी डेज ए बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू कम्प्लाई विद द कोर्ट ऑर्डर्स अंडर बैंकिंग बुक्स एविडेंस एक्ट इसका आंसर है थ्री डेज एक्सक्लूडिंग बैंक हॉलीडेज अगला है विच वॉट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ फिलिंग एंड अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द फॉरम फॉरम स्लैश कमीशन तो इसका आंसर हो जाएगा थर्टी डेज दैट इज़ वन मंथ मैक्सिमम पीरियड ऑफ फाइलिंग एंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉरम एंड कमीशन अगला फाइन फॉर मनी लॉन्ड्रिंग कैन बी अप टू कैन बी अप टू कितना सेवन लैक्स है ना अभी अभी बात किए थे थ्री टू सेवन लैक्स था ठीक है अगला जो आपका नेक्स्ट है इफ अ पर्सन वॉन्ट्स टू फाइल सूट फॉर मैटर फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल एक्ट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज अगर कोई भी लिमिटेशन के ऊपर नहीं दिया है तो कितना होना चाहिए कम से कम मैक्म आपका कितना हो सकता है थर्टी ईयर बिगिनिंग विद द राइट ऑफ स्यू एक्स थर्टी ईयर्स तक हो सकता है लिमिटेशन पीरियड फॉर टर्म लोन्स रिपेबल इन द इंस्टॉलमेंट इज तो इसका ईच इंस्टॉलमेंट के ड्यू डेट से तीन साल तक तीन साल जो है इतना रहता है लेकिन ड्यू डेट ऑफ इच इंस्टॉलमेंट दैट इज ऑप्शन नंबर टू इज द कर दिस अगला द डायरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी कैन होल्ड ऑफिस कंटिन्यूअली फॉर हाउ मेनी ईयर्स तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा एट ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला है वॉट इज द लिमिटेशन पीरियड एज पर द लिमिटेशन एक्ट टू फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑन ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट और आफ्टर साइट बट नॉट एट ए फिक्स टाइम तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थ्री ईयर हो जाएगा ठीक है बिल ऑफ एक्सचेंज देखते हैं लिमिटेशन का क्या डाल दोगे आप लोग थ्री ईयर्स डाल दोगे अगला तो है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द आई टी एक्ट टू थाउजेंड तो कितने शेड्यूल्स हैं फोर शेड्यूल्स हैं अगला है आपका मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन ए पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितना होना चाहिए कितना होना चाहिए सेवन होना चाहिए ठीक है एकदम आपको इसके लिए आपको एकदम अपडेटेड होना है सेवन होना चाहिए कि थ्री होना चाहिए बताइए मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन ए पब्लिक कंपनी इज सेवन और थ्री कमेंट सेक्शन में बताइए सेवन है या थ्री है अपडेटेड बताना है आपको ठीक है मैं इस वीडियो के अंत में आपको इसका आंसर दे दूंगा ठीक है अगला है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए पब्लिक कंपनी कैन बी मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए फिफ्टीन होना चाहिए ठीक है मैक्सिमम नंबर आर फिफ्टीन अगला है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन ए प्राइवेट कंपनी इज मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए टू होने चाहिए मैक्सिमम इज अनलिमिटेड नो नो लिमिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन इन ए प्राइवेट कंपनी और वीडियो के अंत में मैं बताने वाला था वीडियो के अंत में नहीं अभी बता देता हूँ आप लोगों को पब्लिक कंपनी में मिनिमम आपके तीन होने चाहिए मिनिमम तीन पंद्रह आपका मैक्सिमम प्राइवेट में मिनिमम टू और नो लिमिट फॉर मैक्सिमम ठीक है नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम सी रेट दैट कैन बी प्रिस्क्राइब एज पर सेक्शन फोर्टी टू वन ऑफ आर एक्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम सी का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है नो प्रिस्क्रिप्शन एज पर द आर एक्ट अगला है विद इन हाउ मेनी डेज शेल द सेंट्रल रजिस्टर मेटमेंटेड रिगार्डिंग सेटिस्फिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो इसका कितना होता है आपका ठीक है इसका होता है आपका थर्टी डेज थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट एंड सैटिफिकेशन अगला है हाउ मैनी डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन दॉर वोर फॉर सेल ऑफ मोवल सिक्योर एसेट्स तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्टी डेज थर्टी डेज इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट लिमिटेशन पीरियड फॉर फायरिंग ऑफ रिव्यू एप्लीकेशन अगेंस्ट ए अवार्ड ऑफ बैंक अवार्ड गिवन बाय द बैंकिंग मर्ट्समैन इज तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्टी फाइव डेज क्या हो जाएगा इसका आंसर फोर्टी फाइव डेज अगला है बैंक कैन बी एनफोर्स द सिक्योरिटी आफ्टर गिविंग ए नोटिस एंड बॉर्वर डज नॉट रिपे विद इन नोटिस कब कर सकता है सिक्सटी डेज के बाद कर सकता है ठीक है नोटिस अगला है आपका इफ़ रिजर्व बैंक इज एन इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट बोर्ड ऑफ एनी बैंकिंग कंपनी डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स इट मे ऑर्डर सच अंक टू रिकन्स्टिट्यूट द बोर्ड विदिन हाउ मनी डेज तो आपका आंसर हो जाएगा थर्टी डेज नेक्स्ट एज पर सेक्शन नाइनटीन सेक्शन टू और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन बैंकिंग कंपनी कैन होल्ड कैन होल्ड शेयर्स इन एनी कंपनी वेदर एज प्ले जी एंड एब्सोट ओनर अप टू हाउ मच परसेंट तो आंसर हो जाएगा थर्टी परसेंट ऑफ द पेड शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी थर्टी परसेंट ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी आपका आंसर हो जाएगा अगला है व्हेन द चेयरमैन और अ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ अ बैंक इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ही शी सीजेस टू बी डायरेक्टर ऑफ दैट बैंक एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट एज द डायरेक्टर ऑफ दैट बैंकिंग कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ अगर किसी किसी भी डायरेक्टर को हटाया जाता है तो अगले चार साल तक वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है अगला है अंडर द आर टी एक्ट टू थाउजेंड फाइव द पीरियड ऑफ प्रोवाइडिंग इनफॉमेशन इज़ कितना टाइम तक देना है इन्फॉर्मेशन तो थर्टी ईयर्स थर्टी डेज थर्टी डेज के अंदर आपको इसका रिप्लाई आ जाना चाहिए अगला है डीआरटी डील्स विद द केसेस ऑफ रिकवरी ऑफ डेब्स अबाउ डी आर डील्स कितना करता है दस लाख से ऊपर के लिए डीआरटी डील करता है ठीक है सिविल सिविल डिस्प्यूट्स अप टू डैश रुपीज कैन बी सेटल अंडर लोक अदालत लोक अदालत में कितना ट्वेंटी लैक्स ट्वेंटी लैक्स तक जो है आपका लोक अदालत में डिस्प्यूट्स जो हैं वो डील होते हैं ठीक है थीके? अगला है मैक्सिमम पेनल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सिस्टम कैन बी इट्स इट इज़ वन करोड़ रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा वन करोड़ रुपीज़ तो ये कुछ एम थे इसके आंसर्स आपको अभी पता चल गया होगा और कोई भी आंसर में अगर आप लोग को डाउट हो रहा है तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ठीक है अगर आप कुछ उसके ऊपर कुछ डिस्कशन होगा तो उसके ऊपर डिस्कशन भी कर लेंगे जो भी आपको डाउट होता है उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप लोग ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद